उसके साथ ही साथ ओए भाई तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग कुछ ऐसे डिसाइडेड नहीं था, अनप्लान्ड। गर्मी बहुत बढ़ रही है काफ़ी टाइम से, मैं भी स्विमिंग करने के लिए आया नहीं। हमारे यहाँ एक स्पॉट पड़ती है बहुत प्यारी सी, बाकी पहाड़ों में रहते हैं हम, हमारे नदी नाले बहुत सारे हैं। तो हम जा रहे हैं आज गलाती, बहुत अच्छी सी जगह है, वहाँ पे आपको दिखाते हैं पहाड़ी लोग फ्री टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, कुछ स्विमिंग स्किल्स भी दिखाते हैं। बाकी स्विमर्स हैं आपके साथ दानू भैया, ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, और आज हमारे साथ है अपना सुबी भाई बिरदा। बिरदा थोड़े बिजी चल रहे, बिरदा इधर देखो, स्माइल करो। हाँ बस काम हो गया तुम्हारा। और अपना सबसे खास पार्टनर है, खास पार्टनर है तैराक, तैराक यही है फिर इसी को मैं डूबूंगा तो यही बचाएगा आज, मतलब जितना भी है ना यही बचाएगा आप संदीप को। तो यहाँ से पूल स्टार्ट है और यहाँ पे भी फर्स्ट पूल में ही 15-20 लोग हैं नीचे नहा रहे हैं। और अपने पास से सबसे मस्त सी जगह है, वहीं हमारे बाहर जाते हैं मोस्टली, सबसे गहरा पूल वही है यहाँ का। तो दोस्तों फाइनली हम लोग स्पॉट पे पहुँच गए हैं, वो दिख रही है अपनी मंजिल, गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी। अब यहाँ से नीचे को पैदल रास्ता है। और जो अपने साथ आज खास फ्रेंड है ना, उसका नाम है सिम्बा। सिम्बा तो सिम्बा आता है तुम्हारी, ये है आपका प्योर भूटिया डॉग है यार ना। इसका फेस कट, इसकी आई लाइन जो है, मैस्टिफ भी कहते हैं लेकिन फिर मैस्टिफ के थोड़े फर हैवी हो जाते हैं। ये हुए प्योर भूटिया डॉग ब्रीड का, और भाई लाया है इसको तिब्बत बॉर्डर से। बाकी इसको 2 साल हो चुके हैं और देखते हैं आज की स्विमिंग स्किल्स। वैसे ये जो भूटिया डॉग होते हैं ना, तो दोस्तों ये पानी को इतना पसंद नहीं करते हैं, इनको बड़ा नफरत सी होती है नहाने से ना। चलो आज संदीप भाई इसको नहलाएगा, देखते हैं हम भी। और ये लोकेशन पड़ती है आपका धारचूला से करीबन 2-3 घंटे का रास्ता है, बाय रोड, जस्ट रोड यहीं पर ही है, रोड से बस 5 मिनट का रास्ता है नीचे। और आते रहते हैं, आज संडे नहीं है तो आज रश कम है ना, बाकी सैटरडे संडे तो बहुत लोग आते हैं यार इधर। तो पहुँच गए हम भी, बाकी देखिए संदीप भाई की स्विमिंग स्किल्स। और हम पहुंच चुके हैं दोस्तों काली ताल पे, इसका नाम है काली ताल। काली ताल बिकॉज इसके चारों तरफ से चट्टाने हैं और पानी का कलर थोड़ा सा काला दिखता है छाया की वजह से। और हमारे यहाँ होता है दोस्तों पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर। आ जा आराम से, आराम से, पाँव फिसलता है कुत्ते का, आराम से तू भी, तू आराम से लाओ उसको। तो दोस्तों हमारे यहाँ का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है यार ना। अब हो गया भाई एड्रेस, अब भाई एक ड्राइव मारेगा फिर मिलते हैं, बहुत गर्म हो गया यार ना। बहुत गहरा है इधर, हो गया दोस्त सेलेक्ट कर लेना मैंने अपने आपको। तो ये उसको तैरना सिखा रहा है और आज भाई का फर्स्ट डे है। गुड बॉय, तैरने में मजा आ रहा है। तो दोस्तों कह रहे थे ना हम स्विमर है वो, नेचुरल तैर रहा है वो, लेकिन बस ये है कि उसका मन नहीं कर रहा नहाने का। अब हो गया, चल गया डाली कितने। तो दोस्तों बाकी मेरे पास केस नहीं पड़ा है ना कैमरे का, मतलब मैं डाइव मारता है इसके अंदर।
बहुत ही प्यारा सा ठंडा, धूप लगी है, गर्मियों के दिन है, क्या चाहिए दोस्तों इससे ज़्यादा। ये पूल तुम्हारा है आज के दिन के लिए ना, जब तक तुम यहाँ पे हो तब तक ये पूल हमारा ही है। और अपना स्विमर आ चुका है, अब इसके स्किल देखना। वो कुछ ठंडा हो रहा है, कुछ नहीं होता है, ठंडा होते रहता है। बहुत गहरा है भाई इधर, बहुत गहरा है, मत जाओ उधर। जा सांस ले, खड़े होकर सांस ले ले आराम से। इधर 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 तो इसको बोलते हैं दोस्तों बैक स्विमिंग। अरे हमारा छोटा मछला मछला वहाँ गहरे मछला या बहुत छोटा मछला तो अंदर ही अंदर घूम रहा है। बैठ के नीचे से घुस, सीधा ऊपर से मत कूद, पानी मारेगा शरीर में। तो भाई ऊपर टॉप में चढ़ा हुआ है वो भाई, कह रहा है आप देखते हैं भाई कूदता है नहीं कूदता है कुछ। ऐसे ही टाइम पास होता है, जिसको कम तैरना आता है ना उसके साथ ही साथ ओए भाई ऐसे नहीं कूदते भाई। वो भाई कूद गया उधर से, बताया नहीं आ गया वीडियो में। भाई वो भाई ना ऊपर से कूदा है, ऊपर आए चट्टान से नीचे। और पता है ऐसे कैमरे में कम लग रहा हो ना, वो करीबन है यार 20 फुट से ऊपर है। नहीं आया साथ में, नहीं आया वाह वाह। 15 कितना, 12-15 कितना होगा, 15 के आसपास था वहाँ पे से डायरेक्ट वहाँ पे। यहाँ तो कम है इस किनारे, ये देखो लग रहा है जमीन में बहुत कम है। ट्यूब कहाँ से था, आ जा रहा पकड़ो हो गया। ट्यूब पर लगा, ट्यूब पर उठा के लाता हूँ।
जाए।